इसका ना ऐसा बिस्तर भी था कि जैसे एक बिस्तर है इसका, है ना, होता है ना बिस्तर। हाँ वो था, मगर वो ऊपर देखे पीछे पड़ा हुआ है, इसका कोने में मम्मा ने, मम्मा देखी नहीं है। हाँ वो पीछे पर्दे के पड़ा हुआ है, मम्मा देखी नहीं है कि नहीं लो। मम्मा इसका बिस्तर ले लो, वो बेटर भी तोड़ा है। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? क्या कर रही हो वानिया? खेल रही हूँ। क्या खेल रही हो? बड़े के साथ खेल रही हूँ। ये वानिया गुड्डा है जो ये कभी भी नहीं छोड़ती, और ये रेहान के खिलौने। रेहान सलाम करो, क्या हाल है रेहान आपके? ठीक हो? हैं रेहान को जो है ना वो जुनून चढ़ जाता है और ये थोड़ा सा फिर पागल हो जाता है ना वानिया। और हमारे हमारे ताया अबू भी आए हैं। ठीक है ताया अबू। हाँ उनको ठीक है, खैरियत से? हाँ ठीक ठाक है, खैरियत से। चलो अच्छी बात है। ये वानिया है। अरे अपन अपने को भी दिखाओ ना। मैं दिखा चुका हूँ। थोड़ा पीछे करके बोल रहे ना, मुंह में लग रहा है। ये खाना बन रहा है, ये बर्तन धुले हुए नहीं है तो अभी धोऊंगी ना, अभी धोऊंगी। चिकन धोया था मैंने साफ करके, और मैंने कहा धो के रख दूं। और क्या कर रहे हैं? और उसके बाद ये बर्तन है थोड़े नाश्ते के, मेहमान आए हुए थे तो मेरे घर से सबसे पहले खाना बनाओ फिर बर्तन धुल जाएंगे। और चावल बना रही हूँ और सालन बना रही हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को। और क्या रूटीन है आज की? है आज की रूटीन ये है कि काम ही काम है, काम ही काम है, काम ही काम है। थोड़ा पीछे होके बनाया मैंने। ये हमारी भाभी हैं जो हर वक्त छुपती रहती हैं, गिलगित में बातें कर रही हैं। ये ओं कणियों ओं पणियों। पापा ने मुझे मार दिया, मैं नहीं मार रही। ये दाल चावल बोटियां सोटियां, ये भाभी भाग रही हैं। ये मान जो है वो खा रही है फाइनली। ये क्या है? सबने खाया चावल और शोरबे वाला सालन था। रेहान भी खा चुका है, वानिया भी खा चुकी है। वानिया का एक बार फिर सलाम आपको, मुबारक हो। और कैसे बनाया मैंने? सही बने, आज खाना अपना ने बनाया है। चावल पे बहस हो रही थी, चावल मजे के नहीं लाए थे। चावल ये इतने महंगे हो गए हैं, 300 रुपए वाले चावल लाए फिर भी इनका दिल नहीं भर रहा। तो हमारी भाभी आई हुई थी, उन्होंने जो है वो इन्होंने हलवा बना दिया था, उन्होंने सही करके दिए तो ये सही हो गए चावल। तो आजकल सही करके नहीं दिए, सिर्फ बताया। वो आज टिकटॉक पे आजकल वो चल रहा है ना कि सुने जी आप वो चावल सही नहीं लाए थे, तो उसने बोला क्यों? वो जल गए। तो बस वो ये मसला हो गया था हमारे साथ भी कि सुने जी आप चावल सही नहीं लाए थे, क्यों? वो चिपक गए। तो ये मसला हो गया था आज हमारे साथ टिकटॉक वाला। तो क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूँगी, चावल बंदा लाए तो एक ही बार एक जैसे लाए, हमेशा अलग 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 उठा के ले आते हैं, अलग अलग कंट्री के मिलाते हैं फिर बना। जाहिर सी बात है एक एक चावल पे हाथ हो जाता है मेरा, मुझे क्या पता इस चावल ने कितना पानी लेना है, उस चावल ने कितना पानी लेना है।
शेफ तो वही होता है जो हर चीज कर ले। तो मैं शेफ थोड़ा ही हूँ। चेफ है। हाँ चेफ। आपने खाना खा लिया? ये माशाल्लाह से दो प्लेटें खाई हैं और ये पाँव की हालत देखें, गंदे हो रहे हैं। और रेहान को देखो, मोबाइल के अलावा ये दो दिन के बाद केबल अभी आई है। और ये बोटियाँ, ये बोटियाँ नुमा मैंने खाई हैं। तो फिर और फिर क्या, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा वॉच कर ले। कितना पूरा? पूरा की पूरा, पूरा पूरा। हाँ थोड़ा सा दूरा नहीं। हाँ मेरी अतरे ही रखी हुई है जिनकी खुशबू आ रही है ताए अबू को। मेरी अतरे रखी हुई है किस्म किस्म की। नहीं अब बैग रखा हुआ है ना मेरा, मैं भी ला के आपको दिखा रही हूँ। मेरी है, मैं लेके रख रखती हूँ किस्म किस्म की। ये चावल थे? हाँ ये चावल थे। ये खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ बहुत खूबसूरत लग रहे खिले हुए चावल। कोई नहीं खूबसूरत थे, मैंने तो इसके दबाव में खाना खाया। ये सुन लो, मैंने नहीं खाने थे चावल, मैंने इसको कहा मुझे नान ला दे, इसने बोला कि चुप करके चावल खा ले, मैंने बेदिला बस चावल खाए। वैसे चावल किसी काबिल तो नहीं थे। वो भी दो प्लेट खाई है। दो प्लेट से मुराद ये नहीं है कि भरी हुई प्लेट है, पहले थोड़े लिए, मैंने कहा और चाहिए तो लूँगी, फिर खाए। मैं जाहिर सी बात है पूरा दिन मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, सुबह में उठती हूँ तो रात में ही खाना खाती हूँ, दोपहर में खाती नहीं हूँ। तो ये जो बंदा है ना, ये खाना गिनता है मेरा, और फिर वो खाना मेरा हजम नहीं होता, उल्टी करके निकाल देती हूँ, और खाना रात का ही खाती हूँ बस। मैं अभी हड्डियाँ जमा कर रही हूँ कि बिल्ली को देखूंगी, बिल्ली को दूंगी। कितना जालिम हूँ ना मैं, बहुत बहुत बड़ा बड़ा। हाँ सही, खाने का हिसाब रखता है। इस औरत को देखने आप, ये वो औरत है जिसके गोदी में अगर सोने के पहाड़ भी ला के रख दी जाए ना, तो ये बोलेगी ये अब इसको तराश करके ले आते, तराश के ले आते, ये अंगूठी कौन बनवाएगा, ये क्यों करेगा, तो इसके हार कौन बनवाएगा, ले जाओ इसको, ये करो वो करो। ये वो औरत है। सही बात है ना। हाँ अरे मौला, हाँ खाना बहुत खा लिया ना, माफ़ करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे फिर कभी। आज तक की बेइज्जती इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।